नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। चेन्नई सुपर किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच चल रहे पहले क्वालिफायर में आज दिल्ली की टीम को चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार शुरुआत करते हुए काफ़ी रन बोर्ड पर लगाए हैं। आज चेन्नई के गेंदबाजों को शुरुआत से ही काफ़ी मार पड़ रही थी, जिसमें पूरा श्रेय युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को देना होगा, जिन्होंने आज चेन्नई के हर एक गेंदबाज को आड़े हाथों लिया है, जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा मार तेज गेंदबाज दीपक चाहर को लगाई, जिनके एक ओवर में उन्होंने 4 चौके भी जड़े। आपको बता दें कि पृथ्वी ने इस आईपीएल सीजन में दूसरी बार किसी गेंदबाज को एक ही ओवर में 4 या उससे ज़्यादा चौके जड़े हैं। उन्होंने इससे पहले केकेआर के शिवम मावी को एक ही ओवर में 6 गेंद पर 6 चौके मारे थे। आज पृथ्वी शॉ ने एक बड़े मुकाबले में अपनी टीम के लिए शानदार पारी खेली है, जिसमें उन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए। मगर आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पृथ्वी शॉ, जिन्होंने आज अर्धशतक लगाया है, वो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से किसी भी बल्लेबाज द्वारा इस फेस में लगाया गया पहला अर्धशतक है। उनसे पहले पिछले 7 मुकाबलों में, यानी कि इस दूसरे फेज में, दिल्ली की तरफ से किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से एक भी 50 नहीं आया था, जो एक बेहद हैरान कर देने वाला आंकड़ा नज़र आता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।